आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस का कोकोनट मिल्क हेयर कंडीशनर और ये है DHT ब्लॉकर्स के साथ और इसके अंदर सल्फेट नहीं है, पैराबेंस भी नहीं है, सिलिकॉन्स भी नहीं है और ना ही कोई सॉल्ट है या फिर कलर है और ये बना है 100% नेचुरल एक्टिव्स के साथ और इसके अंदर DHT ब्लॉकर्स है जो कि है नेटल लीफ एंड सो परमेटो एक्सट्रैक्ट और इसके अंदर कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं। सो DHT क्या होता है, DHT है डीहाइड्रोटेस्ट्रॉन जो कि एंड्रोजन हार्मोन बनाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस के लिए। सो इसके अंदर DHT ब्लॉकर्स हैं जो कि नेचुरल DHT ब्लॉकर्स हैं, ये ब्लॉक करते हैं इस DHT को और डीहाइड्रोटेस्ट्रॉन को नहीं बनने देते और इसके अंदर ये जो DHT ब्लॉकर्स हैं वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और आपके हेयर को शाइन प्रोवाइड करते हैं। ये जो वाओ हेयर कंडीशनर की बॉटल है ये है 300 ml की बॉटल और ये आपको मिल जाती है ₹499 में और आपको काफी डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे Amazon और Flipkart और ये जो वाओ की अपनी वेबसाइट है आप वहां से परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग बहुत ही स्टर्डी है, काफी अच्छी लगती है मुझे ये वाओ की जो शैम्पू और कंडीशनर की बॉटल्स होती हैं। सो ये करंटली मैं यूज कर रही हूँ, इसकी बॉटल मुझे बहुत पसंद आई है और ये देखिए इसका जो पंप है ये भी बहुत अच्छा है, ओपन और स्टॉप आपको गिवन है, जब आपको चाहिए तो आप ओपन की तरफ इसको मूव कर सकते हैं और स्टॉप की तरफ मूव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और ये ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, बहुत अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं, जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना ही रिक्वायर्ड अमाउंट आपको इसमें से मिलेगा, आपको सिर्फ एक पंप करना है और 2 pumps करने हैं तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका टेक्सचर, बहुत ही ज्यादा स्मूथ क्रीम की तरह है ये, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल कोकोनट मिल्क की तरह ही है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है और ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही माइल्ड कोकोनट मिल्क की तरह इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपको हेयर वॉश करने के बाद बस इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है जो कि आपके हेयर के लिए सफिशियंट हो, आपको स्कैल्प में ये कंडीशनर नहीं लगाना कभी भी, सिर्फ आपके लेंस में ये कंडीशनर आपको अप्लाई करना है। सो मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे कैसा लग रहा है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये जब भी मैं शैम्पू करती हूँ वाओ एप्पल साइडर विनेगर के साथ शैम्पू करती हूँ या फिर वाओ कोकोनट मिल्क शैम्पू के साथ मैं शैम्पू करती हूँ जब हेयर, तो उसके बाद मैं ये यूज करती हूँ वाओ कोकोनट मिल्क हेयर कंडीशनर और मेरे हेयर हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी और हेयर लॉस बहुत ही ज्यादा मेरा कम हो चुका है इसे यूज करने के बाद और एक शाइन सी आ जाती है हेयर में, आपके हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगने लगते हैं, जो आपको आप लीव इन कंडीशनर लगाते हैं आप हेयर वॉश करने के बाद उसकी जरूरत मुझे नहीं लगी इसे अप्लाई करने के बाद। सो सिर्फ मैं इसे अप्लाई करती हूँ और मैं अपने हेयर से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं इसे यूज करने के बाद। आप भी अगर कोई नेचुरल हेयर कंडीशनर और हेयर शैम्पू देख रहे हैं तो आप ये वाओ स्किन साइंस की तरफ से हेयर शैम्पू प्लस कंडीशनर ट्राई कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने वाओ एप्पल साइडर विनेगर का भी रिव्यू किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वो जरूर चेकआउट कीजिए। सो ये थी आज की वीडियो, होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।